छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आ रहे हो, आपने डेब्यू किया है फिल्म में, तो किस तरह का ना एक्सपीरियंस रहा भट्ट कैंप के साथ? और क्या चाहिए, अगर अगर आपको लॉन्च इस बैनर से मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, और हमेशा से सोचा है, और मैं फैन रहा हूँ सारे सॉन्ग्स, जब भी मैं टीवी करता था और सब लोग बोलते थे गुरमीत फिल्म करना, तो डेफिनेटली विशेष फिल्म के साथ करना, क्योंकि उसके सारे गाने हिट होते हैं, एंड मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरा जो पहली फिल्म है जो लॉन्च है विशेष फिल्म के साथ। This is very different because this is it's also a story about a writer. You know, he set out to write his book, ends up writing a destiny, and so much more to it. I can't give out. I wish I could. Hey. Next, Imran asked me, जैसा कि अभी बात हुई कि गुरमीत हैं, ऐसे माने जा रहे हैं। आपको next इमरान हाशमी जरूरत नहीं है, एक इमरान हाशमी काफी है। मगर ये गुरमीत है, अपनी पहचान, अपने अपना एक वजूद लेके आया है, और इमरान हाशमी की का जो एक स्पेस क्रिएट की है वो बहुत ही बड़ी स्पेस है। इसमें एक शुरुआत की है, हाँ टेलीविजन के माध्यम में से इसने अपना एक दुनिया पे विश्व पे एक अपना एक असर दिखाया है, मगर सिनेमा के क्षेत्र में इन्होंने भी प्रवेश किया है, और यकीनन जिस किस्म की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है उससे हम बड़े बहुत खुश हैं। मुझे यकीन है कि ये जो है आपके बीच में रहेंगे और आपका कैमरा इन्हें चेस करता रहेगा काफी 10-20 सालों तक। ओके, सपना दो हीरो हैं, आप एक अकेली हीरोइन हैं इस फिल्म में, तो कंफर्टेबल हैं आप? क्या मैं आपको अनकंफर्टेबल लग रही हूँ? ऑन द सेट एक्टिंग रोमांस की बात कर रहा हूँ। Do I look uncomfortable to you? Yes. You like the word smooch, no? Smooch, 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 smooch. Smooch, 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 smooch. Happy? Okay, sabka smooch. Happy? Aggressive nahi ho rahi hai, hum to sirf acting ki bhi baat kar rahe hain, romance ki bhi baat kar rahe hain, jo hame screen pe dikha hua hai. Acting ko bhi bola nahi, you just said smooch. Acting bhi bola maine. Nahi. Romance bola maine. No. Acting bola. You said smooth. You said smooth. What you meant is how this. Okay, now the smooth thing is boring. तो क्या जब आप लिख रहे थे कहानी को, तो क्या 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 बातें अपने माइंड में आती? एक अधूरे इंसान की कहानी है, एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ पूरा नहीं किया, वो ऐसा आदमी है जिसने कोई रिश्ता बरकरार नहीं रखा, काम भी किया तो आधा अधूरा सा, किसी से प्यार भी किया तो आधा अधूरा सा प्यार, तो मतलब कुछ आधा अधूरा किस्म का आदमी है। और कैसे उसे ज़िंदगी में समझ में आता है कि ज़िंदगी उसी की है जो डट के एक काम पूरा करता है। जो आदमी सब काम आधा अधूरा करता है वो आधा अधूरा सा ही रह जाता है।